नमस्कारम चतुर्भुजं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं। अरे रुचि जल्दी करना, कितनी देर रंगोली बनाएगी, पूजा का समय हो गया, चल जल्दी कर। टाइम बस हो गया, दो मिनट। अरे पूर्वी जरा हल्दी कुमकुम ले। आजी मैं ले आती हूँ। ए माई मैं हमका समझ नहीं आवत है कि ये त्योहार के दिन का है, दिन इतना लंबा हो बत। मतलब ये कि देख सूरज देव आके पुराने हो गए, हमरे को जो है ना नाश्ता नहीं दी तू। 24 घंटे सिर्फ खाने के बारे में सोचता है ना तू। तो भूख लगी है हमरे को। चल और पूर्वी कहाँ है? मौसी वो मंदिर गई है। अच्छा ठीक है, हम पूजा की तैयारी करें। हाँ चलो। विनोद हाय, चल जल्दी। हाय हाय, साड़ी हो गई ना तैयार, और वो हार और नीम के पत्ते कहाँ हैं? पूर्वी पूर्वी जरा हार और नीम की पत्ती लेकर आना जल्दी। पूर्वी आजी मैं लेकर आती हूँ। ये ले। Dr. Anir, you are under arrest. बच्चों की अदला बदली और डॉक्टरी पेशे के कानून को तोड़ने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। चलिए मेरे साथ। अरे एक्शन कैसे ले जाएंगे? ये कुछ नहीं किए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल बेगुनाह है। देखिए मैडम, हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए और आप प्लीज कानूनी मामलों में दखल मत दीजिए। चलिए आप। अरे एक मिनट एक मिनट। देखिए मौसी सोम, इन्हें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। चलिए इंस्पेक्टर। चलिए ले चलो इन्हें। अरे ऐसे कैसे ले चलो इन्हें? इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए। अरे दरोगा सुनना है। ए दरोगा, सोहम सोहम जल्दी से पूर्वी को फोन कर और उसे बता कि ओनर को पुलिस पकड़ कर ले गई है। जा जल्दी कर। हाँ क्या हुआ? लगा क्या? नहीं भाई, अभी नहीं। लगा 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 लगा। सोहम, उर्वी तो अपना फोन यहीं पर भूल कर गई है। वो देख, अब क्या करे? मैं मंदिर जाके कहा। हाँ ठीक है, जल्दी जा। या मिस्टर कामत के साथ जो मेरी मीटिंग है उसकी प्रेजेंटेशन सीधी मेरे घर तक पहुंचा दो प्लीज। जस्ट ए सेकंड, मैं आई कॉल यू बैक। एक सेकंड मैं फोन करता हूँ। ओह बेबी मिसेस विगांता। ओह बेबी मिसेस विगांता। ओह ओह मेरी बेबी। ओह क्या हो गया? आपको यहाँ सोने के लिए रखा मैं। लीव इट मिसेस विगांता, उसकी हालत देखिए, रो रो के क्या हो गई है? क्या सॉरी इशू? पता ही नहीं लग गई आप कब लग गई उसकी। लुक उसको कुछ हो गया तो लीव लीव आई सेड। ओह माय बेबी। ओह 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 माय। वो सो रही थी यहाँ पे, उनको सोने के लिए रखा है हमने। कि फोड़ो क्या हालत क्या होगी ना? मैं एक और जाने का इंतजाम करने पड़ेगा। नो डैड नो, इसके बाद मैं किसी और को नहीं दूंगा परी को। मैं ये आई हैंडल दिस, आई टेक केयर। अर्जुन तुमसे ये नहीं, आई टेक केयर ऑफ इट डैड, आई टेक केयर ऑफ इट। चमा नो, शी इज क्राइंग सो मच, वो कितना रो रही है। डैड मेरे को लगता है कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कॉल अ डॉक्टर प्लीज।
I don't know क्या problem है. Posh. Mr. Arjun, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है. एक्चुअली बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है माँ का दूध, और क्योंकि अब इनकी माँ तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए हमें पाउडर का दूध देना होगा. और डोंट वरी, बच्चा सिर्फ भूखा था इसलिए रो रहा था. थैंक यू डॉक्टर. सर, घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल मी. ओके, थैंक यू डॉक्टर. थैंक यू. बप्पा, मेरी वजह से अर्जुन और रोवी के रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हुई है, प्लीज उन्हें जल्दी से मिटा दीजिए. और हाँ, मेरी वजह से ओनर को भी बहुत तकलीफ सहनी पड़ रही है. उन्होंने मेरी वजह से अपने अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ भी समझौता किया. आज उनका करियर, उनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है. प्लीज प्लीज मेरी गलतियों की सजा ओनर को मत दीजिए. इन हालातों से लड़ने की शक्ति दीजिए. क्या हो गया, इतना इतना क्यों रो रही है परी? क्या हो गया? रोना नहीं, हंसो हंसो हंसो. अपनी आई की गोद में जाते ही चुप हो जाती है. अर्जुन, मैं इसकी आई नहीं हूं, इसकी आई ओवी है. अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, आप बहुत ही अच्छे समय पर लेकर आए हैं. आज गुड़ी पड़वा है, इसके लिए पूजा करते हैं. लाइए लाइए. ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशकम आदि पूज्यम गणाध्यक्षम उमा पुत्रम विनायकम मंगलम परमम रूपम. ये लीजिए. ओम शांति. पतये नमः. ओम गणाधिपतये नमः. ओम गणाधिपतये नमः. नहीं पूर्वी, परी का तुम्हारे साथ रहना ही ठीक है. अर्जुन, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, इसकी आयु ओवी है, मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकती. कमाल है, ओवी भी इसे नहीं रखना चाहती. कल जब परी को उसके पास लेकर गया था तो उसने कहा कि ले जाओ इसे यहां से, नहीं देखना चाहती वो इसे. देखो पूर्वी, बहुत छोटी है, जो कुछ भी हुआ है उसमें उसमें इसकी कोई गलती नहीं है. इसे एक आई की जरूरत है, प्लीज. अर्जुन देखो, मैं जानती हूं कि इस वक्त वो भी बहुत नाराज है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं यकीन है कि वो जल्दी परी को अपना लेगी. वो नहीं मानेगी, वो भी नहीं मानेगी पूर्वी. पूर्वी,
सोहम दादा, आप यहाँ क्या हुआ? पूर्वी, ऑनर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। दादा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन क्यों? वो बच्चे की अदला बदली के जुर्म में उसको लेके गई है। अर्जुनी, दादा वो कहाँ है? प्लीज मुझे उनके पास लेके चलिए। चलो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। कोनो जरूरत नहीं है। तू जितना हो सके उतना पूर्वी से दूर रह तो अच्छा है। ई के लिए भी और तोरा लिए भी। पहले तोरा वजह से परिवार वालों ने एको बाहर निकाल दिया है। अब क्या चाहता है तू? ऑनर से अलग करना? हम तोरे को तोरे मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। अभी पूर्वी का भाई यानी हम ई के साथ है। चल पूर्वी। देखिए, आप शांत रहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कौन करेगा भैया? ऑनर, आई एम रियली सॉरी। आज मेरी वजह से आपको ही। अच्छा तो क्या पता शादी नहीं करते? कैसी बातें कर रही हो तुम मिष्टी? हम जीवन साथी हैं और जीवन साथी वो होता है जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है। खुशियों में तो हर कोई साथ देता है मिष्टी, लेकिन जो दुख में साथ देता है ना, वही अपना होता है। डोंट वरी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स अब मेरी है। I'll be fine. बाबा, इंस्पेक्टर, हम मिस्टर ऑनर की जमानत करवाने आए। मैं मिस्टर सचिन देशमुख का एसोसिएट हूं, ये रहे उनके पेपर्स। देखिए सर, आई एम सॉरी, इनकी जमानत नहीं हो सकती, इनकी अब सीधे सुनवाई होगी। सुलोचनाई ने फोन करके बताया कि पुलिस ऑनर को ले आई। जो कुछ भी हुआ है उसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये क्यों सजा भुगते? अनफॉर्चुनेटली इसकी जमानत भी नहीं हो पा रही। बाबा, जब मेरी पूर्वी से शादी हुई थी तो मुझे पता था कि वो प्रेग्नेंट है, और एक तरह से देखा जाए तो सच्चाई छुपाने में मैं भी जिम्मेदार हूं। तो आप सिर्फ पूर्वी को दोष मत दीजिए। देखो अनिल, मैं इसे यहां दोषी मानने नहीं आया। तुम दोनों पति पत्नी की जिंदगी में दखल देने नहीं आया हो। हां, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। और मेरी नजर में ये दोषी है और रहेगी। देखिए, पूर्वी जॉन कुछ भी किया वो जान के नहीं की। हमारे आपसी मामलों में पराए लोगों को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बा, तो अब तोरा कहे से हम पराया हो जाएंगे? तोरी कोनो भी बात पत्थर की लकीर नहीं है, समझे? पूर्वी का साथ देना हमारा हक है और तोरे आपसी मामले में दखल देना भी हमारा अधिकार है। और वो अधिकार हमको अपनी आई दी है, अर्चना आई। एक तो बात और सुन ले तू पूर्वी, तेजू और ओबी हम इन तीनों के दादा लगते हैं, और इन लोगों के दादा होने का हक तू तो क्या, भगवान भी हमसे नहीं छीन सकता।
रो मत है इतना। अरे कुछ हो नहीं होगा तुम्हें पति देव, चल शांत हो जा, मैं ना तुम्हारे साथ हम छुड़ाएंगे अनिल बाबू, चल शांत शांत शांत। कहाँ हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना मॉल के बाहर गाड़ी पार्क करने के लिए, रोड पर खड़ी हूँ मैं, जल्दी। ताई तुम यहाँ? अरे रुचि तू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं एक्चुअली यहाँ मॉल पे आई थी, वहाँ पे बहुत अच्छा डिजाइनर है तो बहुत सारे कपड़े खरीद लिए मैंने। अच्छा हुआ तुम मिल गई, चल तेरे लिए भी खरीदती हूँ, चल आ जा। ताई प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ ताई? घर में इतना कुछ हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है और आप यहाँ पे आराम से शॉपिंग कर रहे हो। आपने आजी के साथ जो भी किया उसका थोड़ा सा भी गिल्ट है आपको? जिस आजी ने हमें इतना प्यार दिया, तुमने उसी आजी का घर अपने नाम पर कराने की कोशिश की। एक मिनट रुचि, अपनी अक्ल और अपनी उम्र के दायरे में रह के बात किया करो मुझसे। तुम अभी छोटी हो, नादान हो, तुम्हें ये सारी बातें समझ में भी नहीं आएंगी, तो प्लीज मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश भी मत करना। आजी के दिए हुए संस्कार अब भी मुझ में है और मैं आजी के साथ कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। तुम अपने आप को बड़ी बोलती हो, ऐसे बड़ी होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने? तुम बड़ी तो हो लेकिन तुम्हारी सोच अब भी उतनी छोटी है। रुचि तुम होगी बेटा, ले सूप पी। अब आजी अभी भूख नहीं है मुझे। कैसी बातें करती है, कल से तूने कुछ भी नहीं खाया, ले ले बेटा गरम गरम सूप है, पी ले। आजी मैं बाद में पी लूंगी। सच्ची? प्लीज मेरी बात सुनो एक सेकंड। अभी देखो मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन अभी मैं सच कह रहा हूं, जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी शादी के पहले था। मैंने हमारी शादी के बाद तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तुम हमारे रिश्ते की खातिर, कम से कम हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर मान। दोस्ती? अर्जुन तुम जिस रिश्ते की बात कर रहे हो ना, उस रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है विश्वास। तुमने मेरे साथ क्या किया मुझे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तुम चाहते तो मुझे शादी से पहले ही कह सकते थे कि तुम और पूर्वी, पर नहीं, तुमने मुझसे वो बात छुपाई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी तुम उसे भूल नहीं पाए, पर उसके बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये सब। ओवी मेरी बात का यकीन करो, मुझे खुद नहीं पता था परी का सर। अच्छा ये सारी बातें छोड़, तुम मुझे ये बताओ कि मैं परी के साथ क्या करूं? इसे जब इसकी आई की जरूरत पड़ेगी तो इसे कहाँ ले जाऊं? अरे अगर इसे इसकी आई की याद आती है तो इसकी आई के पास लेकर जाओ। भूल गए हो क्या कि पूर्वी इसकी आई है? और अब तो सबको पता है कि ये तुम्हारी और पूर्वी की बेटी है। तुम लोग तीनों एक काम क्यों नहीं करते हो, अपनी जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट करो। हाँ उसी, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। इनफैक्ट पूर्वी ने अपनी बच्ची तुम्हें दी, तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए। हाँ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया उसने मेरे लिए अर्जुन, पर मैं इतनी महान नहीं हूँ, ना मुझसे कुछ ऐसी महानता होती और ना मुझसे ऐसे धोखे झेले जाते। मैं किसी ने कोई धोखा नहीं दिया ओवी, ठीक है मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसमें परी की क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि ये मेरे पति और मेरी बहन की बेटी। मैं जब जब इसकी शक्ल देखूंगी मुझे याद आएगा कि तुम लोग ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया है। इसलिए प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाओ और खुद भी यहाँ से चले जाओ।